लॉकअप में ईद के मौके पर मुनव्वर और आजमा को एक स्पेशल तोहफा मिल गया है और ये तोहफा पाकर मुनव्वर आजमा दोनों ही बेहद खुश हैं। क्या दिया गया है इन्हें तोहफा, मैं ही हिना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। दरअसल ये रोज जो है सभी जाते हैं शपथ लेने के लिए, इस बार जो है जब इन लोगों ने सभी ने शपथ ली सुबह सुबह, उसके बाद अनाउंस किया गया कि आज आप लोगों के लिए कुछ स्पेशल भेजा जा रहा है। तो बिरयानी बनाने के लिए और शी कोमा बनाने के लिए जितना सामान चाहिए, बासमती राइस, ड्राई फ्रूट, घी के डब्बे, शीर खोरमा, इसके लिए जितना सामान चाहिए वो सब भेजा गया है, जिसके बाद मुनव्वर और आजमा बेहद खुश नजर आए। और अब मैं आपको याद दिला दूं कि कल से मुनव्वर और आजमा जो है इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे जब घर पर होते थे मम्मी के हाथ की बिरयानी खाते थे, शीर खोरमा खाते थे, लेकिन अब यहाँ पर ईद काफी जो है सुनी सुनी लगेगी। हालांकि आज इन दोनों ने कैदियों के कपड़े नहीं पहने और दोनों ने ही ईद के लिए ये दोनों ड्रेसअप हुए हैं। और सुबह जो है मुनव्वर रोते हुए भी नजर आए, त्योहार का मौका है, परिवार की याद आ रही थी। तो अब इनके त्योहार को यानी कि ईद को रंगीन बनाने के लिए लॉकअप की टीम ने तोहफा भेजा, जिसे पाकर ये दोनों काफी खुश हुए और उसके बाद मुनव्वर कैमरे में देखकर इनको धन्यवाद देते हुए भी नजर आए हैं। तो एक बात तो तय है कि फिनाले से पहले ही आज ये लोग मतलब बासमती राइस और घी देखकर इतना नाच रहे थे कि इतने दिनों में पहली बार आज हमने बासमती राइस देखा, ड्राई फ्रूट देखा है, घी देखा है। तो अब जो है ईद के लिए ये लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, इन लोगों ने इस बात की रिक्वेस्ट भी की थी और ये एज्यूम भी कर रहे थे कि शायद ईद के मौके पर इन लोगों को कुछ खास मिलेगा, तो इन लोगों को ये तोहफा जो है भेजा गया है। आप इस पर क्या कहेंगे, कमेंट जरूर कीजिएगा।